अरे भैया जल्दी करो, हमें नमाज पढ़ के अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। ये मुसलमान है फिर भी तिरंग ले रहा है, वहाँ पर जल्दी जाना है। मेरे तो मार रहा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे भाई जी। हाँ जी भाई साहब, क्या दिखाऊं? होली के लिए गुलाल वुलाल दिखा दो और बच्चों के लिए पिचकारी विचकारी। देखिए ऑर्गेनिक गुलाल और एक नया ये आइसक्रीम फ्लेवर गुलाल और ये मैजिक कप, इसमें पानी डालोगे तो कलर बनेगा। मेरे को वो वाला चाहिए। बता दो कौन सा पैक करना है। बेटा ये वाला, भैया ये विक भी डाल देना इस बच्चे के लिए। ठीक है करता हूँ। अरे भैया जल्दी करो, हमें नमाज पढ़ के अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। ये मुसलमान है फिर भी तिरंग ले रहा है, वहाँ पर जल्दी जाना है। राम मेरा इंतजार कर रहा होगा। अभी बोलता हूँ। अरे भाई जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अरे बस हो गया, लीजिए भाई साहब। लाओ जी, कितने पैसे हो गए? भाई साहब 400 रुपए हो गए आपके। देता हूँ। लीजिए भाईजान। शुक्रिया भाई साहब। धन्यवाद भाईजान। भाई साहब एक मिनट, आपसे एक बात पूछूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? जी बिल्कुल पूछिए। क्या आप मुसलमान हैं? हाँ जी मैं मुसलमान हूँ। भाई साहब जितना मेरे को पता है आपके धर्म में होली खेलना हराम माना गया है, फिर भी आप इतने सारे गुब्बारे कलर लेकर जा रहे हैं। तो क्या हुआ भाईजान, आज भी हमारे कई हिंदू साथी हमारे घर पर ईद मुबारक देने और सेवैया खाने आते हैं। अब होली उनका त्योहार है तो हम उनकी खुशियों के लिए होली क्यों नहीं मना सकते? जी भाई साहब, मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं जिनको मैं हर एक ईद पर मुबारकबाद देता हूँ और उनके घर पे हर एक ईद पे सेवैया खाने जाता हूँ। वही तो भाईजान, खुदा ने सबको एक ही बना के भेजा है, वो तो हम इंसान हैं जिन्होंने ये बंटवारा कर रखा है। वरना सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी है, और वैसे भी भाईजान किसी ने खूब ही कहा है कोई मुसलमान रंग लगा दे होली पर, वैसे ही कोई हिंदू खीर खा ले रमजान की, यही तो खूबसूरती है साहब अपने हिंदुस्तान की। चलते हैं भाईजान, हैप्पी होली। हैप्पी होली।